हेलो स्टूडेंट्स आई एम योर हेल्पिंग हैंड राजेश मरण सो आई एम हियर टू डिस्कस रिमेनिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ़ चैप्टर वन दैट इज डेफिनेशन ऑफ बिजनेस टैक्सेशन वन ये वीडियो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ही ये लिए ही है ठीक है सो so मैटर भी इंग्लिश में होगा और डिस्कशन भी हम थोड़ा सा उसका इंग्लिश में कर लेंगे सो so, चलिए ठीक है हम लोग शुरू करते हैं Uh, और हाँ अगर कोई डाउट हो ठीक है आपको तो आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना ठीक है और क्लास में मुझसे पूछ लेना सो so हम शुरू करते हैं द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ डेफिनेशन ऑफ एन इनकम इंक्लूड्स विच ऑफ़ द फॉलोइंग सोर्सेज मतलब जो इनकम का डेफिनेशन है ठीक है वो कौन से कौन से सोर्सेज को इंक्लूड करता है ए रेगुलर सोर्सेज b irregular sources c a and b both and d none of the above so as we all know that definition of include uh, definition of income includes both regular sources and irregular sources so our answer for this question is a and b both so answer is c let's go to second question question 2 which one of the following is an example of regular income source नीचे में से कौन सा रेगुलर इनकम सोर्स का एग्जाम्पल है सो फर्स्ट इज रेंट बी इंटरेस्ट सी सैलरी डी ऑल ऑफ दी एबो सो एज़ वी ऑल नो दैट रेगुलर इनकम सोर्स हैज़ अ डेफिनेट टाइम पीरियड मतलब एक डेफिनेट टाइम पीरियड के बाद वो मिलता है ठीक है हर महीने हर दो महीने हर तीन महीने ठीक है सो आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ दी एबो बिकॉज रेंट हैज़ ऑल्सो डेफिनेट टाइम पीरियड इंटरेस्ट हैज ऑल्सो डेफिनेट टाइम पीरियड सैलरी भी हर महीने मिलती है ठीक है सो आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्वेश्चन टू ठीक है इज डी ऑल ऑफ द अबो इज एग्जाम्पल ऑफ इन रेगुलर इनकम सोर्स लेट्स गो टू थर्ड क्वेश्चन दट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इ रेगुलर इनकम सोर्स ध्यान से पड़िएगा नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ई रेगुलर सोर्स मतलब ई रेगुलर इनकम सोर्स का एग्जाम्पल नहीं है अब ई इनकम सोर्स का एग्जाम्पल नहीं होगा तो रेगुलर इनकम सोर्स का एग्जाम्पल होगा ठीक है सो ए इनकम ऑफ गैम्बलिंग बी इनकम ऑफ रेसिंग सी लॉटरी डी डिविडेंड सो हमारा आंसर कौन सा होगा आवर आंसर इज डिविडेंड बिकॉज इनकम ऑफ गैम्बलिंग इनकम ऑफ रेसिंग एंड लॉटरी ऑल ऑफ़ दिस इजाम एग्जाम्पल ऑफ अ इ रेगुलर इनकम सोर्स ठीक है और हमें क्या पूछा है नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ई रेगुलर इनकम सोर्स सो डिविडेंड इज़ आवर आंसर ठीक है आंसर डी Uh, dividend इज नॉट एन example ऑफ irregular इनकम सोर्स सो आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी Dividend. लेट्स मूव अयर टू फोर्थ क्वेश्चन रिवॉर्ड इन नॉन फाइनेंशियल टर्म्स कैन बी ए पार्ट ऑफ इनकम और नॉट मतलब जो नॉन फाइनेंशियल टर्म्स में हमें जो रिवॉर्ड मिलता है वो इनकम का पार्ट बनता है कि नहीं ठीक है यस और नो ठीक है इतना ही बताना ए यस बी नो सी कांट से डी नन ऑफ दबोव इज ट्रू सो हमें है व्हाट इज़ आवर आंसर यस ठीक है फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिवर्ट्स बोथ आर पार्ट ऑफ इनकम लेट्स गो टू फिफ्थ क्वेश्चन एन इनकम फ्रॉम ई लीगल सोर्सेज इज़ अ पार्ट ऑफ एन इनकम और नॉट मतलब जो ई लीगल सोर्सेज से जो इनकम आती है ठीक है जो ई लीगल है इंडिया में करना लाइक गुजरात में अल्कोहल बैन है ठीक है इंडिया में ड्रग्स बैन है ठीक है तो उससे जो इनकम होती है क्या वो इनकम का पार्ट बनता है कि नहीं यह सो नो ही बताना है ए यस इट्स अ पार्ट ऑफ इनकम बी नो एज इट्स इलीगल क्योंकि ये इलीगल है इसलिए पार्ट नहीं होगा सी कांड से डी नन ऑफ दे बॉयज ट्रू सो आवर आंसर इज यस इट्स अ पार्ट ऑफ इनकम वेदर इट्स अ लीगल इनकम और इलीगल ठीक है इट्स अ पार्ट ऑफ इनकम सो आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए यस इट्स अ पार्ट ऑफ इनकम एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन क्लास रूम सो लेट्स गो टू अनदर क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन सिक्स विच वन ऑफ़ द फॉलोइंग कम्स अंडर डेफिनेशन ऑफ एन इनकम मतलब जो नीचे दिए गए उसमें से इनकम के डेफिनेशन में क्या क्या आता है ठीक है ए इनकम ऑफ़ गैम्बलिंग तो हाँ इनकम ऑफ गैम्बलिंग ई रेगुलर सोर्स है और रेगुलर हो या इ रेगुलर इट्स अ पार्ट ऑफ इनकम बी इनकम ऑफ स्मगलिंग हाँ स्मग्लिंग uh, है ठीक है वो क्या है तो ईलीगल इनकम है ठीक है इलीगल सोर्स है ठीक है और इरेगुलर uh, भी हो सकती है ठीक है उसका नेचर ऐसा है रेगुलर भी होती है इरेगुलर भी होती है बट वो इलीगल सोर्स है सो इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ इनकम टिप ऑफ टैक्सी ड्राइवर टैक्सी ड्राइवर को जो टिप दी गई है ठीक है तो हाँ इफ पर्सन गेट्स एनी इनकम बिकॉज ऑफ हिस् डेजिग्नेशन इट्स अ पार्ट ऑफ इनकम सो हमारा आंसर क्या होगा फॉर दिस क्वेश्चन डी ऑल ऑफ दी एबो इज अवर आंसर ऑल ऑफ दी एबो इज कम्स अंडर डेफिनेशन ऑफ इनकम लेट्स मूव एड सेवन ए पर्सन गेट्स एनी इनकम बिकॉज ऑफ हिज ब्लैंक इट विल बी कंसिडर्ड एज एन इनकम मतलब डैश में कोई एक ब्लैंक में कोई ऐसी चीज़ रखनी है जिसकी वजह से उसको जो इनकम मिल रही है ठीक है वो इनकम गिनी जाए ठीक है ए पर्सन गेट्स एनी इनकम बिकॉज ऑफ हिज़ वॉट ठीक है यहाँ पर वॉट समझ लीजिए कि किस चीज़ की वजह से अगर उसको इनकम मिलती है इट विल बी कंसिडर एज एन इनकम तो उसको गिना जाएगा इनकम तो ऑप्शन ए डेजिग्नेशन बी सोशल रिलेशन सी extraordinary work, वर्क none of ऑफ above is ट्रू सो आंसर इज designation. जैसे अभी अभी हमने बात की ठीक है पर्सन गेट्स एनी इनकम बिकॉज ऑफ his designation. जैसे टैक्सी ड्राइवर को टिप मिलती है वेटर को टिप मिलती है ठीक है सो designation की वजह से अगर उसको कोई इनकम मिलती है तो वो क्या है सो so, इनकम है ठीक है इट विल be considered एज इनकम सो our आंसर इज़ ए डेजिग्नेशन सोशल रिलेशन आपको पता है इनकम नहीं गिनी जाएगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क के लिए कुछ भी मिले रिवॉर्ड तो वो भी इनकम नहीं गिना जाएगा तो और आंसर इज ए परसन गेट्स इन इनकम बिकॉज ऑफ़ डेजिग्नेशन इट विल बी कंसिडर्ड एज एन इनकम लेट्स गो टू एट्थ क्वेश्चन फॉर द असेसमेंट ईयर ट्वेंटी नाइन्टी ट्वेंटी नाइनटी ट्वेंटी मतलब दो हज़ार उन्नीस बीस प्रीवियस ईयर विल बी दो हज़ार उन्नीस बीस के लिए प्रीवियस ईयर कौन सा होगा टू थाउजेंड नाइनटीन ट्वेंटी इज़ असेसमेंट ईयर फॉर द असेसमेंट ईयर टू थाउजेंड नाइनटीन ट्वेंटी लिखा है मतलब अगर टू थाउजेंड नाइनटीन ट्वेंटी असेसमेंट ईयर है प्रीवियस ईयर विल भी तो इसमें ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है अगर टू थाउजेंड नाइनटीन ट्वेंटी असेसमेंट ईयर है तो एटीन नाइनटीन विल भी क्या होगा प्रीवियस ईयर तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी ट्वेंटी टू थाउजेंड एटीन नाइनटीन ठीक है ये क्या होगा हमारा सो प्रीवियस ईयर अगर टू थाउजेंड नाइनटीन ट्वेंटी असेसमेंट ईयर है तो Uh, अब देखिए फॉर द प्रीवियस ईयर टू थाउजेंड नाइनटीन ट्वेंटी असेसमेंट ईयर विल भी ठीक है जो क्वेश्चन नंबर नाइन है ठीक है वो क्या क्या कह रहा है फॉर द प्रीवियस ईयर टू थाउजेंड वहाँ था दो हज़ार उन्नीस बीस क्या था असेसमेंट ईयर था यहाँ क्या हो गया प्रीवियस ईयर दो हज़ार उन्नीस बीस प्रीवियस ईयर तो असेसमेंट ईयर कौन सा होगा तो इसमें भी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है अगर दो हज़ार उन्नीस बीस असेसमेंट ईयर है तो सॉरी प्रीवियस ईयर है तो असेसमेंट ईयर कौन सा होगा बीस इक्कीस तो आंसर हो कौन सा हो जाएगा ए अगर इसमें कोई डाउट अभी भी रह गया असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर में तो आप नोट डाउन कर लेना और मुझसे मुझे क्लास में पूछ लेना सो लेट्स गो टू टेंथ क्वेश्चन ओके इन विच ऑफ़ द फॉलोइंग केसेस प्रीवियस ईयर कैन बी लेस देन ट्वेल्व मंथ जनरली प्रीवियस ईयर कितने महीने का हो okay, महीने का होगा तो इट हैज अ ट्वेल्व मंथ बारह महीना बारह महीन बारह महीने होते हैं ठीक है प्रीवियस ईयर में बट इन विच ऑफ़ द फॉलोइंग केसेस प्रीवियस ईयर कैन बी लेस देन ट्वेल्व मंथ तो बारह महीने से छोटा भी हो सकता है इन केस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू बिजनेस बी इन केस ऑफ शटिंग डाउन द रनिंग बिजनेस सी ए एन बी डी नफ दो तो हमें पता है कौन सा आंसर होगा ए एन बी बोथ इन केस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू बिजनेस एंड इन केस ऑफ शटिंग डाउन द रनिंग बिजनेस प्रीवियस ईयर कैन बी लेस देन ट्वेल्व मंथ ठीक है तो आंसर कौन सा होगा सी क्वेश्चन इलेवन एन इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर विल बी टैक्सेबल इन विच ईयर मतलब प्रीवियस ईयर का इनकम किस ईयर में टैक्सेबल होगा तो हमें पता है इन नेक्स्ट ईयर और उसको हम क्या बोलते हैं असेसमेंट ईयर ठीक है प्रीवियस ईयर का इनकम किस ईयर में टैक्सेबल होगा तो हमें पता है इन नेक्स्ट ईयर उस नेक्स्ट ईयर को हम क्या बोलते हैं असेसमेंट ईयर तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए असेसमेंट ईयर अब देखो यहाँ प्रीवियस ईयर लिखा है और तीसरा ऑप्शन है ईयर इन विच इनकम इज अर तो दोनों एक ही हो गए ठीक है बी एन सी ऑप्शन सेम ही होगा इनकम इज अर ने प्रीवियस ईयर तो ए ही हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है असेसमेंट ईयर कॉमन सेंस लगाते तो भी आंसर हो जाता क्वेश्चन uh, ट्वेल्व अ पर्सन इज लाइबल टू पे टैक्स इन ब्लैंक ईयर फॉर हिज इनकम अर्डेड इन ब्लैंक ईयर अ पर्सन इज लाइबल टू पे टैक्स इन ब्लैंक ईयर फॉर हिज इनकम अर्डेड इन ब्लैंक ईयर जहाँ पे दो ब्लैंक होती है ना ठीक है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ठीक है तो ध्यान से पढ़िए अ पर्सन इज लाइबल टू पे टैक्स इन ब्लैंक केयर अब हमें पता है लाइबल किस ईयर में होगा असेसमेंट ईयर में वो टैक्स पे करने के लिए लाइबल होगा तो जहाँ पहला असेसमेंट है ठीक है ए बी सी डी में से वो ऑप्शन सही होना चाहिए तो ए में असेसमेंट प्रीवियस है बी में प्रीवियस असेसमेंट है सी में फाइनेंशियल असेसमेंट है डी में कैलेंडर प्रीवियस है तो डी तो आएगा ही नहीं ठीक है और ए में असेसमेंट पहला है मतलब ए ही हमारा आंसर हो जाएगा देखिए अ पर्सन इज लाइबल टू तो पे टैक्स इन असेसमेंट ईयर फॉर इज इनकम ऑरडेंटेड प्रीवियस ईयर तो हो गया जब आपको पता चले कि हाँ ये आंसर हो सकता है उसको ब्लैंक में एक बार रख के देख लीजिए ठीक है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए असेसमेंट प्रीवियस ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टीन एनी प्रोसीजर ऑफ आई टी डिपार्टमेंट टू कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम एन एस ए सी इज़ नो वन एस मतलब कोई भी प्रोसीजर आई टी डिपार्टमेंट करता है टू कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम एन एस ए सी उसको क्या कहा जाता है तो हम सबको पता है असेसमेंट ठीक है ये जो रिटर्न स्क्रूटनी पेनल्टी है ये तो मैंने ऐसे ही लिखे option, है ऑप्शन ठीक as, है एनी प्रोसीजर ऑफ आई टी डिपार्टमेंट टू कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम एन एस एस सी इज नो वन एस असेसमेंट ठीक है हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए लेट्स मूव अहेड When a person himself assess his taxable income and report it to the department with the tax, it is known as matlab एस मतलब पर्सन खुद ही अपनी टैक्सेबल इनकम काउंट करता है उसको रिपोर्ट करता है विथ टैक्स टू आई टी डिपार्टमेंट उसको क्या बोलते हैं हम सबको पता है सेल्फ असेसमेंट क्योंकि वो खुद सब कुछ कर रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा ए सेल्फ असेसमेंट लेट्स मूव हैड ब्लैंक असेसमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ डिससेटिस्फेक्शन ऑफ एसेस और आई टी डिपार्टमेंट अब जहाँ जहाँ डिससेटिस्फेक्शन आएगा ठीक है यहाँ पे लिखा है कौन सा ऐसा असेसमेंट है ठीक है ब्लैंक दिया गया कौन सा ऐसा असेसमेंट है जो डिससेटिस्फेक्शन का रिजल्ट है ठीक है कौन किसके डिसटिस्फेक्शन का अस एस डिपार्टमेंट किसी में दोनों में से किसी को भी डिससेटिस्फेक्शन है तो ये वाला असेसमेंट होगा कौन सा असेसमेंट होगा सेल्फ असेसमेंट हिडन इनकम असेसमेंट रीअसेसमेंट या रेगुलर असेसमेंट असेसमेंट और रेगुलर असेसमेंट दोनों सेम ही है ठीक है तो रीअसेसमेंट होगा कौन सा आंसर होगा हमारा रीअसेसमेंट डिससेटस्फेक्शन होता है वहाँ पे क्या होता है हमेशा रीअसेसमेंट जैसे आपको अपने मार्क्स से डिसटिस्फेक्शन है तो आप क्या कराओगे रीअसेसमेंट कराओगे तो यहाँ पे आंसर क्या होगा री रीअसेसमेंट जो है ठीक है उसका टाइप इज अ रीअसेसमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ डिससेटिस्फेक्शन ऑफ एस एस सी और आई टी डिपार्टमेंट ठीक है और लास्ट क्वेश्चन असेसमेंट प्रोसीजर इन केस ऑफ आई टी डिपार्टमेंट फाउंड ब्लैक मनी इज नोन एज मतलब आई टी डिपार्टमेंट को ब्लैक मनी मिलती है तो कौन सा असेसमेंट होगा कौन सा असेसमेंट का प्रोसीजर होगा उस असेसमेंट को क्या बोलते हैं ठीक है इसमें असेसमेंट प्रोसीजर इन केस ऑफ आई डिपार्टमेंट फाउंड ब्लैक मनी इज नोवन एज तो हम सबको पता है इट्स ए हिडन इनकम असेसमेंट यानी आंसर बी ठीक है तो ये था आज का वीडियो ठीक है अब आगे भी डालते रहेंगे हम ऐसे ही वीडियोज़ तो आप देखते रहिएगा ठीक है टेक केयर टिल देन अपना ख्याल रखिए बाय बाय सायोनारा